देवसर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वंशमणि वर्मा ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद वंशमणि वर्मा ने चुनाव में अपनी जीत और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया। देवसर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वंशमणि वर्मा ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक भी वंशमणि वर्मा के साथ पहुंचे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद वंशमणि वर्मा ने कहा कि हम स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई भी आसमान छू रही है, अत्याचार अनाचार भ्रष्टाचार में भी प्रदेश नंबर वन पर है। मध्य प्रदेश में अब कमलनाथ सरकार बनेगी और हर महिला को नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए मिलेंगे। भारत सरकार का जो कानून है उसमें एक डीएमएफ का पैसा जिले में ही खर्च होना चाहिए, इसके पहले होता भी था, लेकिन उन्होंने हमको डीएमएफ का भी पैसा नहीं छोड़ा। आज अगर सड़कों की हालत देखिए सबसे खराब सिंगरौली में, बिजली की हालत सबसे खराब सिंगरौली में, किसी भी चीज़ में लीजिए प्रदूषण के मामले में सबसे एक नंबर सिंगरौली है। अत्याचार अनाचार दुराचार व्यभिचार भ्रष्टाचार सब में एक नंबर में, विस्थापन सबसे ज़्यादा सिंगरौली में हो रहा है, लेकिन सरकार इसके तरफ कतई ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस की अगर सरकार आएगी, जैसा ही कमलनाथ जी ने कहा है कि भाई हम 100 यूनिट बिजली माफ करेंगे, 200 यूनिट बिजली हाफ होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।